मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं शिवसेना की जो आत्मा है वो कहीं जाकर के किसी मस्जिद में चोरी छुपे किसी जमाती के साथ मिल उनके कहीं उन्होंने इस्लाम तो नहीं कबूल कर लिया है। एक ऐसी ताकत, एक ऐसी विचारधारा यहाँ अपना प्रभाव जमा रही है। ये हिंदू को क्रिटिसाइज करेंगे, यानी हिंदू धर्म की हत्या यहाँ पे करना एक कॉमन परसेप्शन बन गया है कि बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। हिंदू आइडियोलॉजी की कहीं ना कहीं हत्या की जाती है। हमारे 5000 साल पुरानी जो संस्कृति है, जो भी नेता आता है सबसे सॉफ्ट टारगेट उसको मिलता है कि भारतवर्ष की जो परंपरा है, संस्कृति है, उसकी हत्या करिए। आप डिबेटों में देखिए रोज हत्याएं हो रही है इस आइडियोलॉजी की। ठीक है, ठीक है। शिवसेना को जो मैं जानता था, जो दुनिया जानती थी, सत्ता मिले नुकसान हो फायदा हो, वो अपने सिद्धांतों से एक छोटा सा शिव सैनिक भी कभी समझौता नहीं करता था। बिल्कुल, मैं तो वहां रहा हूँ, प्रॉफिट हो लॉस हो, लेकिन ये शिवसेना और उसके शिव सैनिक कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते थे। ना बालाजी ने कभी, बाला साहब ठाकरे जी ने भी कभी नहीं ये किया, और वो सीना ठोक के इस चीज को बोलते थे। यही रीजन था कि वो कभी भी नेता नहीं बने, मुख्यमंत्री नहीं बने, अगर चाहते तो बन सकते थे। सवाल के जवाब में बोला था। ठीक है, यहाँ नियत बदल गई है, जो मैंने बोला ना कि आत्मा शायद बदल करके कहीं कोई और धर्म वगैरह तो इन्होंने परिवर्तित नहीं कर लिया शिवसेना की आत्मा ने। ये पूछिए जरा इनसे। मुझे लगता है ना कि शिवसेना की जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी पे क्वेश्चन पूछना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है, शासन और प्रशासन कैसे चलता है। नहीं है तो पहले जाके ट्रेनिंग ले। ये जो है अक्षम है, ये आगे भी शासन और प्रशासन को नहीं चला पाएंगे। ठीक है, उद्धव ठाकरे जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, आप इनके देखिए किस तरीके से शिवसेना अपने जो बेसिक फिलॉसफी है उससे हटती चली गई है। ये हिंदुत्व को अपनी जो प्रमुख विचारधारा थी, जो बाबा, जो बाला साहब ठाकरे जी ने जो स्थापित की थी, पूरी जिंदगी भर जिसकी रट, जिसकी प्रार्थना वो करते रहे, हर बार ये डाइल्यूट करते चले जा रहे हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट एके मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए एके मिश्रा जी, कहां से और किस तरीके की ये भीड़ आती है? देखिए, हमें भी पता है कि इन्फ्लुएंस क्या होता है और कैसे आखिरकार एक भीड़ इकट्ठा होती है और उसे पुलिस तक का डर नहीं होता। अगर आपने देखा होगा वो वीडियो, मुझे लगता है देश में हर किसी ने वो वीडियो देखा है, पुलिस के सामने पीट पीट कर 3 लोगों की हत्या कर दी गई और हिंदुत्व का ठीकरा फोड़ने वाले उस मुख्यमंत्री के राज्य में यह घटना होती है। ऐसा लगता है जैसे वो अब भूल चुके हैं, अगर उन्होंने महाविकास अगाड़ी गठबंधन के साथ जब से वो गए हैं तब से। देखिए, 3 बिंदुओं पे इस चीज का जो है निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। सबसे पहला ये कि पुलिस लगी हुई है, कर्फ्यू जैसी सिचुएशन है, और उस पे भी साधु वेशधारी लोग। नॉर्मली अगर किसी और वेश में होते तो माना जा सकता था, इतने शांति और पवित्रता के प्रतीक वो लोग थे, उनको एक भीड़ ने मार दिया और 2 पुलिस वाले आराम से उसी भीड़ में घूम टहल रहे हैं। तो अभी जैसे आपके प्रोमो में दिखाया जा रहा था, मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार हूँ कि इनको पहली बार सत्ता मिली है, नेता होना दूसरी चीज है, एडमिनिस्ट्रेशन होना दूसरी चीज है, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से चलाना ये दूसरी चीज है, और उद्धव ठाकरे जी को जाके कहीं क्लास लेनी चाहिए, कहीं सीख लेनी चाहिए। कुछ ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो पहली बार हुए हैं लेकिन बहुत अच्छे तरीके से वो अपने स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट करते चले। लेकिन एके मिश्रा जी, आपको याद होगा कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो चाहे केंद्र में चाहे राज्य में चाबी भरने का काम तो यही करते थे, तो फिर अपनी चाबी कहां छोड़ के आ रहे हैं? मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं। देखिए, रही बात, आप पास्ट देखिए शिवसेना का, ये मतलब मराठा हिंदुत्व का ये चेहरा होते थे, इसी चेहरे के ऊपर इन्होंने पूरी अपनी राजनीतिक बिसात बनाई, और जो भी इनका प्रसार हुआ, जो ये एक घर से उठ के पूरे देश तक ये पैदा हुए आगे बढ़े, वो केवल एक हिंदुत्व का था। मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं शिवसेना की जो आत्मा है वो कहीं जाकर के किसी मस्जिद में चोरी छुपे किसी जमाती के साथ मिल उनके कहीं उन्होंने इस्लाम तो नहीं कबूल कर लिया है, जो इस तरीके की ये बातें कर रहे हैं, ये चीज भी देखनी चाहिए। उद्धव ठाकरे जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, आप इनके देखिए किस तरीके से शिवसेना अपने जो बेसिक फिलॉसफी है उससे हटती चली गई है। ये हिंदुत्व को अपनी जो प्रमुख विचारधारा थी, जो बाबा, जो बाला साहब ठाकरे जी ने जो स्थापित की थी, पूरी जिंदगी भर जिसकी रट, जिसकी प्रार्थना वो करते रहे, हर बार ये डाइल्यूट करते चले जा रहे हैं। इसीलिए शायद आपको आज ये सबसे लेटेस्ट और ज्वलंत उदाहरण है। देखिए, ये 2 संतों की हत्या नहीं हुई है, मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं। हत्या किसी की भी हो, मॉब लिंचिंग किसी की भी हो, इवन जानवरों की भी हत्या होती है तो मैं निंदा करता हूं। यहां देखने वाली चीज क्या है, एक ऐसी ताकत, एक ऐसी विचारधारा यहां अपना प्रभाव जमा रही है। ये हिंदू को क्रिटिसाइज करेंगे, यानी हिंदू धर्म की हत्या यहां पे करना एक कॉमन परसेप्शन बन गया है कि बड़ा सॉफ्ट टारगेट है।
हिंदू आइडियोलॉजी की कहीं ना कहीं हत्या की जाती है। हमारे 5000 साल पुरानी जो संस्कृति है, जो भी नेता आता है सबसे सॉफ्ट टारगेट उसको मिलता है कि भारतवर्ष की जो परंपरा है, संस्कृति है, उसकी हत्या करिए। आप डिबेटों में देखिए रोज हत्याएं हो रही है इस आइडियोलॉजी की। ठीक है ठीक है, तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन एके मिश्रा जी, आपके पास आते हुए बहुत लंबा समय लगा था, आपको याद होगा, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली हुआ था, और तब जाकर ये महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो हम देख रहे हैं वो बना, जिसमें एक रूपरेखा तैयार की गई कि हम चलेंगे कैसे, क्योंकि बहुत अच्छे से सबको पता था कि विचारधारा टकराएगी, जगह जगह टकराएगी, खास करके कांग्रेस और शिवसेना जो दो धड़े हैं, कह सकते हैं नदी के दो किनारे हैं। क्या आपको लगता है कि समन्वय हो चुका है अब उस विचारधारा का, तभी एक ऐसा रूप हम देख रहे हैं उद्धव ठाकरे का जो आज तक किसी ने नहीं देखा? एके मिश्रा, समन्वय नहीं हो चुका है, आप इसको बोलिए कि अपने पूरे ईमान को बेच देना, डाइल्यूट कर देना। मैं जो बोल रहा हूँ कि जो आपकी विचारधारा है आपने उसको टोटली छोड़ दिया। मैं यही बोलने वाला था कि महाअघाड़ी सरकार में आप देखिए गृह मंत्री कौन है, वो ट्वीट करेंगे तब सिस्टम हरकत में आएगी, इस पॉइंट को नोट करिए। स्वतः संज्ञान क्या होता है, तनख्वाह क्या ट्वीट करने के बाद पुलिस वालों को दी जाती है, कहीं कोई घटना हो रही है तो क्या पुलिस वाला फोन करके वहां के, मतलब इन्होंने देखिए सिस्टम को कैसे अजगर की तरह कब्जा करके रखा है कि कहीं किसी की जान चली जाए अगर सिपाही खड़ा है तो जब तक वो पहले फोन करके आदेश नहीं ले लेगा गृह मंत्री से। कुचक्र देखिए, शासन का कुचक्र देखिए कि कैसे एक एक सिस्टम को जकड़ के केवल और केवल अपने फायदे के लिए प्रयोग किया जाता है। आप इस प्रवृत्ति को समझिए, इस सरकार की इस प्रवृत्ति को समझिए कि पहले महोदय से, मंत्री जी से पूछ लिया जाए, उसके बाद कोई काम किया जाए, चाहे जनता की जान क्यों नहीं चली जाए। ठीक है, स्वतः के बेस में कोई एक्शन नहीं है, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं लेगा, चाहे डीएमओ, एसपी हो, चाहे सिपाही हो। ठीक है, एके मिश्रा जाती है ब्रेक पे, जाने से पहले ये सवाल मेरा आपसे था एके मिश्रा जी, कि क्या विचारधारा में मिलावट हो चुकी है, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कम से कम शिवसेना के लिए? नहीं, बिल्कुल हो चुकी है। आप ये देखिए, दूध में आप जितना पानी मिलाते जाएंगे दूध की प्रॉपर्टी खत्म होती चली जाएगी, दूध जो है इम्प्योर होता चला जाएगा, प्रदूषित होता चला जाएगा। और उससे भी सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊं, शिवसेना को जो मैं जानता था, जो दुनिया जानती थी, सत्ता मिले नुकसान हो फायदा हो, वो अपने सिद्धांतों से एक छोटा सा शिव सैनिक भी कभी समझौता नहीं करता था। बिल्कुल, मैं तो वहां रहा हूं, प्रॉफिट हो लॉस हो, लेकिन ये शिवसेना और उसके शिवसैनिक कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते थे। ना बालाजी ने कभी, बाला साहब ठाकरे जी ने भी कभी नहीं ये किया, और वो सीना ठोक के इस चीज को बोलते थे। यही रीजन था कि वो कभी भी नेता नहीं बने, मुख्यमंत्री नहीं बने, अगर चाहते तो बन सकते थे, सवाल के जवाब में बोला था। ठीक है, यहां नियत बदल गई है, जो मैंने बोला ना कि आत्मा शायद बदल करके, कहीं कोई और धर्म वगैरह तो इन्होंने परिवर्तित नहीं कर लिया शिवसेना की आत्मा ने, ये पूछिए जरा इनसे। ठीक है, चिंटू शेख जी, जो अभी एके मिश्रा जी कह रहे हैं आपको याद होगा, राजपूत जी, क्या बोलूंगा, राजपूत जी बताइए, हमें पता है, हमें पता है, आपके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उस पार्टी के नेता हो कि 1984 में पार्टी के हेड ऑफिस उनके घरों के बगलों पर घर लगा दिया, 4 किलोमीटर के दायरे में 4000 लाशें गिर गई और फर्क नहीं पड़ा उनके ऊपर, तो आप उसी पार्टी के नेता हो। एके मिश्रा जी, लाशें गिर जाने से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है ऐसे बात करेंगे तो कोई किसी की बात को समझ नहीं पाएगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी वहाँ, आप बुरी तरीके से हताश और निराश हैं। मुझे नहीं मालूम आप भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी प्रवक्ता हैं या नहीं हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी होगा उन पर कार्रवाई होगी, पुलिस अगर इनसफिशिएंट होगी होगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। मगर जिस तरीके से मिश्रा जी शिवसेना के आत्मा मन भरा, ये कौन से शब्द है? बाला साहब तक पहुंच गए राजपूत जी, ये कौन से शब्द है? साधुओं की मौत हुई बहुत गलत हुआ, चिंटू शेख जी गलत हुआ, साधुओं की मौत हुई, मर्डर हुआ बहुत गलत हुआ, सुनने की आदत खत्म हो चुकी है दरअसल सुरेंद्र राजपूत जी की, इसलिए फाइनल कमेंट का समय आ चुका है। एके मिश्रा जी, देखिए मुझे लगता है ना कि शिवसेना की जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी पे क्वेश्चन पूछना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है, शासन और प्रशासन कैसे चलता है, नहीं है तो पहले जाके ट्रेनिंग ले। ये जो है अक्षम है, ये आगे भी शासन और प्रशासन को नहीं चला पाएंगे। ठीक है।